नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मायावती बोली, कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे मोदी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वयंभू गौरक्षकों की निंदा करने में देर करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो पिछले दो वर्षों से कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए ये बयान दिए हैं। मायावती ने कहा कि मोदी पिछले दो वर्षों से चुप थे, वे कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे। अब वो इसीलिए जाग गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि वे जानते थे कि उन्हें एक भी दलित वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने दलितों के मत हासिल करने के लिए ये बयान दिए। मायावती ने ऐसे समय में प्रधानमंत्री की निंदा की है जब मोदी ने दिल्ली एवं तेलंगाना में दो दिनों में दो बार स्वयंभू गौरक्षकों की निंदा की है। नहीं थमा बवाल, कश्मीर में सेना तैनात। एक महीने से बुरहान वानी की मौत की आग में झुलस रही कश्मीर वादी में हालात को थामने की खातिर केंद्र सरकार के निर्देशों पर अब सेना की मदद पूरी तरह से ली जाने लगी है। अभी तक सेना को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के खातिर तैनात किया गया था। पहले चरण में कल रात को सेना ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग को अपने कब्जे में ले लिया ताकि इस पर यातायात सुचारू रूप से चल सके, जबकि आज सुबह उसने सईद अली शाह गिलानी के गृह कस्बे सोपोर को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर लोगों को हिंसा, आगजनी और प्रदर्शनों से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी। पिछले एक महीने से राष्ट्रीय राजमार्ग उग्र भीड़ के कब्जे में था। हालांकि सेना के काफिले और अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले रात के अंधेरे में इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हिंसक प्रदर्शनकारियों की बढ़ती हिम्मत और बढ़ते कदमों को रोक दिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन ने महिला हॉकी में भारत को 3-0 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम जापान के खिलाफ पहले मैच के प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रही और उसे यहां ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ रियो ओलंपिक खेलों के अपने दूसरे मैच में 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले क्वार्टर में सतर्क शुरुआत के बाद लंदन 2012 खेलों की कांस्य पदक विजेता ब्रिटेन की टीम ने दूसरे क्वार्टर में 2 मिनट के भीतर 2 गोल दागकर भारतीय टीम को हैरान किया, जिसे एंसले ने दमदार ड्रैग फ्लिक पर कप्तान सुशील चानू और गोलकीपर सविता पूनिया को छकाते हुए ब्रिटेन की ओर 25वें मिनट में पहला गोल दागा। भारतीय टीम संभल पाती इससे पहले ही निकोला वाइट ने मैदानी गोल दागते हुए स्कोर 2-0 कर दिया। तीसरे क्वार्टर में भी इंग्लैंड का दबदबा देखने को मिला। एलेक्स डेंसन ने शानदार गोल के साथ ब्रिटेन को 33वें मिनट में 3-0 से आगे कर दिया।